गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। तो आज मैं आगे उसके आगे का पढ़ाने जा रही हूँ कि क्या क्या नेचर्स है सोशियोलॉजी का, ठीक है। तो क्या क्या नेचर्स है हम वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी का आगे का है ये, बोथ सोशियोलॉजी इज़ अ बोथ अ रैशनल एंड एम्पेरिकल साइंस। रैशनल मीन्स it is a original one, ठीक है। इट इज़ अ प्योर वन एज वेल एज द एम्पेरिकल मीन्स, मतलब कि रैशनल का मीनिंग क्या होता है, उसके पीछे कोई रैशनल है, कोई एविडेंस है। एज वेल एज आपका अगर हम एम्पेरिकल की बात करें तो एम्पेरिकल में भी सेम है, आपका कोई एविडेंस्ड है, ठीक है। एविडेंस है जिसके जिससे क्या हो रहा है, आपका जो सोशियोलॉजी है वो डिफाइंड हो रहा है उसका नेचर। लाइक जैसे इसमें लिखा है, रैशनलिज्म स्ट्रेसेस रीजन एंड द रिजल्ट फ्रॉम लॉजिकल इन्फेरेंस। मतलब कि रैशनलिज्म के कारण अगर कोई स्ट्रेस है, अगर कोई यानी कि हमको एविडेंस है ना, जैसे कि कोई झगड़ा लड़ाई होगा जिसके कारण क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, जो कि क्या करेगा, हमको सोशल लाइफ है उसको इंटरफेयर करेगा। वैसे ही एम्पेरिकल इज एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो जो एम्पेरिकलिज्म है वो क्या होगा, हमारे लाइफ को कैसे बेस्ड ऑन आपका जो भी एक्सपीरियंसेस है उससे अफेक्ट होता है, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन है, जो एक्सपेरिमेंट्स है, उसके थ्रू क्या मिलेगा हमको, हमको पता चलेगा कि कितना कितना आपका एक्सपीरियंसेस है, ठीक है। क्या फेस आपने देखा है लाइफ में, उसके थ्रू क्या होगा, आपका जो सोशियोलॉजी है वो अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है, इन सोशियोलॉजी इंक्वायर्स बोथ आर सिग्निफिकेंट। यस, रैशनल एज वेल एज एम्पेरिकल बोथ आर सिग्निफिकेंट और द इंटररिलेटेड, ठीक है। लाइक क्योंकि कोई रीज़न है, कोई लॉजिक है जिसके कारण क्या हो रहा है, कोई लॉजिकल थ्योरीज है जिसके कारण स्ट्रेस है वो इंक्रीज हो रहा है, अल्टीमेटली हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा है और सोशल लाइफ को भी अफेक्ट कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट, स्कोप। अब हम देखेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। फिर देर आर टू डिफरेंट व्यूज अबाउट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। तो दो डिफरेंट व्यूज हैं जिसके थ्रू हम सोशियोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं। देर इज़ नो वन ओपिनियन अबाउट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब सभी का किसी का एक प्रकार का धारणा नहीं है, ठीक है। यहाँ जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका अलग अलग धारणा है और अलग अलग सोच है किसके प्रति, सोशियोलॉजी के प्रति, ठीक है। इन द ब्रॉडेस्ट सेंस सोशियोलॉजी इज द स्टडिंग ह्यूमन इंटरेक्शन, ठीक है। तो ह्यूमन के इंटरेक्शन को स्टडी करता है कौन, सोशियोलॉजी। देयर कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, उनके इंटरेक्शन को, उनके रहन सहन को, उनके झगड़े लड़ाई सब को कौन स्टडी कर रहा है आपका, जो फेजेस वगैरह सबको कौन कर रहा है, सोशियोलॉजी। सो देयर आर टू मेन स्कूल ऑफ थॉट अमॉन्ग सोशियोलॉजिस्ट इन दीज इशूज। सबसे पहले कौन है, स्पेशलिस्ट और द फॉर्मलिस्टिक स्कूल, और दूसरा सिंथेटिक स्कूल, ठीक है। तो टू डिफरेंट व्यू बोला है वही है, टू डिफरेंट व्यू कौन किसके किसके हैं, स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल और सिंथेटिक स्कूल, ठीक है। तो स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल है जो, इन दिस ग्रुप ऑफ सोशियोलॉजिस्ट ड्रामेटिक, इसका मीनिंग होता है सेट अ बाउंड्रीज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सोशियोलॉजिस्ट है या जो भी सोशियोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं, एक सेट कर रहे हैं बाउंड्रीज को, ठीक है, एक लिमिट्स क्रिएट कर रहे हैं। सोशियोलॉजी क्लियरली फ्रॉम अदर ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी स्टडी, ठीक है। तो इट इज़ अ अदर ब्रांच वी डील विद द स्टडिंग ऑफ सोशल साइंस, ठीक है, सोशल स्टडीज देन एंड कन्फाइंड इट इन टू द इंक्वायरी ऑफ सर्टेन डिफाइंड एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, जो कि इंक्वायर करता है किसको, ह्यूमन रिलेशनशिप को, वो भी डिफरेंट एस्पेक्ट हो। और सोशियोलॉजी अ प्योर एंड इंडिपेंडेंट, सोशियोलॉजी कैसा है, प्योर और कैसा है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सोशियोलॉजी हैज़ लिमिट फील्ड ऑफ इंक्वायरी एंड डील विद द प्रॉब्लम सच विच आर नॉट डेल्ट विद अदर सोशल साइंस, ठीक है। तो जो अदर सोशल साइंस उसको क्या कर सकता है, डील नहीं कर सकता या सॉल्व नहीं कर सकता, उससे ये डील करता है। तो सबसे पहला कौन सा है, स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल, ठीक है, जिसके अंदर है आपका सिंथेटिक स्कूल और फॉर्मलिस्टिक, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि
फॉर्मुलिस्टिक, हाँ फॉर्मुलिस्टिक एंड सिंथेटिक हमने पढ़ लिया, स्पेशलिस्टिक एंड फॉर्मुलिस्टिक, और नेक्स्ट क्या है आपका सिंथेटिक स्कूल है. तो द अदर ग्रुप मेंटेन दैट द फील्ड ऑफ सोशल इन्वेस्टिगेशन, सोशल इन्वेस्टिगेशन मतलब उनका कैसा रहन सहन है, कैसा एक दूसरे से बोल चाल है, ठीक है. इट टू मेंटेन द फील्ड ऑफ सोशल इन्वेस्टिगेशन फॉर एनी अदर सोशल साइंस सच एज. इसके क्या क्या आस्पेक्ट्स हैं, तो सबसे पहले इकोनॉमिक. इकोनॉमिक में क्या है कि कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो कैसे प्रोड्यूस्ड हो रहा है, कल से कैसा प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन कंजप्शन कैसा है लोगों में, तो ये ठीक है. नेक्स्ट है आपका ऑर्थोलॉजी हिस्ट्रोलॉजी, इसमें कल्चरली या जियोग्राफिकली कैसे उन लोग रह रहे हैं एक्सेट्रा. देर आर सर्टेन देयर इज ऑल्सो कंसिडर्ड ऑफ सोशोलॉजी इज अ जर्नल साइंस. और यहाँ सोशोलॉजी को कैसा कर रहे हैं, इसको जर्नल साइंस ऐसा कंसीव कर रहे हैं, ठीक है. तो सोशोलॉजी स्टडीज एवरीथिंग एंड एनीथिंग अंडर दिस, ठीक है. तो सोशोलॉजी के अंदर सब कुछ पढ़ा जा रहा है लाइक सिंथेटिक स्कूल, ठीक है. तो नेक्स्ट है स्पेशलिस्टिक और फॉर्मुलिस्टिक स्कूल के अंदर में क्या क्या आता है, कौन कौन से ऑथर हैं जो अपना व्यू दिए हैं, ठीक है. तो सबसे पहले सिमेल, देन स्मॉल, देन विकडेंट, देन मैक्स वेबर, वॉन विसन, देन टॉनिन, ठीक है. तो ये पूरे इन लोग का हम लोग देखेंगे कि क्या क्या व्यू दिए हैं रिगार्डिंग द सोशोलॉजी, ठीक है. तो सबसे पहला है फॉर्मुलिस्टिक एंड फॉर्मुलिस्टिक स्कूल में आपका, तो दिस ग्रुप लीड बाय सिमेल, ठीक है. तो सिमेल हमने देखा था सबसे पहला ऑथर है. व्यूज सोशियोलॉजी इज कंफाइंड टू इंक्वायरी ऑफ सर्टेन डिफाइंड एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, जो कि क्या डिफाइन करते हैं, सोशियोलॉजी को कैसा पढ़ा जा रहा है, सोशियोलॉजी के ह्यूमन के रिलेशन को जाना जा रहा है बोल रहे हैं, ठीक है. ये बता रहे हैं कि सोशियोलॉजी स्टडी करते हैं और इंक्वायरी करते हैं कि उनका डिफरेंट लेवल ऑफ रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप, एंड देयर कंसिडर्ड विद द सोशियोलॉजी इज अ प्योर, और वो बोल रहे हैं सोशियोलॉजी प्योर है और इंडिपेंडेंट है, ठीक. सिमिल्स व्यू सोशियोलॉजी डील विद द सेम टॉपिक एज दे आर डिफरेंट एंगल, और वो डिफरेंट एंगल्स को देख के बता रहे हैं फ्रॉम द एंगल ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ठीक है, डिफरेंट सोशल रिलेशनशिप्स को बता रहे हैं. नेक्स्ट है आपका स्पेशलिस्टिक फॉर्मल स्कूल का स्मॉल्स व्यू. तो स्मॉल्स का व्यू क्या है, सोशियोलॉजी डज नॉट स्टडी ऑल द एक्टिविटी ऑफ सोसाइटी. ये बता रहे हैं कि सोशियोलॉजी जो डिफरेंट एक्टिविटी है उसको नहीं दर्शा रहा है. द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज टू स्टडी द जेनरिक जनरल फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप बिहेवियर एंड एक्टिविटी. ये बता रहे हैं कि सोशियोलॉजी को कैसे पढ़ा जा रहा है कि उनके बिहेवियर को, लोगों के बिहेवियर को, और क्या एक्टिविटी हो रहा है उनके द्वारा इसको, ठीक. नेक्स्ट है आपका वर्कडेंट, ये है इनका व्यू है. सोशियोलॉजी इज़ अ स्पेशल ब्रांच ऑफ नॉलेज. इनका कहना है कि सोशियोलॉजी क्या है, एक स्पेशल ब्रांच ऑफ नॉलेज है. डील विद द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ मेंटल एंड साइकिक रिलेशनशिप विच यूनिक पीपल इन सोसाइटी, ठीक है. तो डिफरेंट लेवल या अल्टीमेट फॉर्म्स ऑफ मेंटल एंड साइकिक रिलेशनशिप बिटवीन हुम, बिटवीन द पीपल इन द सोसाइटी. वो बता रहे हैं कि इनका डिफरेंट लेवल रहता है, ये डिफरेंट लेवल है, मेंटल लेवल एंड साइकिक लेवल, जो इंटर रिलेटेड है सोसाइटी में, ठीक है. ही इज फर्दर मेंटेन दैट सिमिलरली इज डीलिंग विथ कल्चरल सोशल शुड नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद द एक्चुअल सर्टेन ऑफ एक्चुअल रिवॉल्यूशन बट इट कन्फाइन इटसेल्फ ओनली डिस्कवरी फंडामेंटल फोर्स. ही फर्दर मेंटेन सिमिलर ऑन डीलिंग विद कल्चर, और वो आगे बता रहे हैं कि कल्चरल सोसाइटी शुड कंसर्न इट्सेल्फ, ठीक है, उनको खुद को एक्चुअलाइज होना चाहिए. एक्चुअल कंटेंट ऑफ कल्चर मतलब कि जो कल्चर है वो परसिस्टेंट क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, ठीक है. तो उसे क्या है, जो सोसाइटी में भी चेंजेस आ रहा है, ठीक. नेक्स्ट विल बी द मैक्स वेबर. सो मैक्स वेबर व्यूज दैट सोशियोलॉजी एम टू इंटरप्ट एंड अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर बट इट डज नॉट इंक्लूड ऑल द ह्यूमन रिलेशनशिप. ये बोल रहे हैं कि जो सोशियोलॉजी क्या है, उनका एम कि अंडरस्टैंड करना सोशल बिहेवियर का, ना कि उनका रिलेशन को, ठीक. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हिम सोशियोलॉजी कंसर्न विद द एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ सोशल रिलेशनशिप. और ये बता रहे हैं कि कितने प्रकार के या किस प्रकार के सोशल रिलेशनशिप है,
कहाँ? सोसाइटी में, ठीक है. नेक्स्ट है वॉन वेस्लिन, वो बता रहे हैं व्यूज द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप. वॉन वेस्लिन क्या बता रहे हैं कि जो सोशियोलॉजी का क्या स्कोप है, टू स्टडी द सोशल रिलेशनशिप, ठीक है, सोशल रिलेशनशिप को स्टडी करना ही इनका वॉन वेस्लिन का मतलब कि इनका थॉट है, ठीक है. सो फ्रॉम हियर्स इट विल बी कंप्लीटिंग द स्पेशलिस्टिक और फॉर्मल स्कूल, ठीक है. तो इसमें जितने भी ऑथर्स थे उन्होंने अपना अपना व्यू दिया है, लाइक जिमल, नेक्स्ट है आपका स्मॉल, नेक्स्ट है आपका वर्डेंट, नेक्स्ट है मैक्स वेबर, नेक्स्ट है वॉन्ग विस्लिन, ठीक है. तो ये सब ने अपना अपना व्यू दिया है जिसके थ्रू बताया गया है कि सोसाइटी में रहने वाले लोग को कई को डिफरेंट व्यू से देखा गया है और उनके रिलेशन को डिफरेंट तरीके से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है. कल की क्लास में हम देखेंगे सिंथेटिक स्कूल, ठीक है. तो सिंथेटिक स्कूल क्या कहता है उसको, ठीक. आज के लिए थैंक यू.